हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इन सौम्याज़ वर्ल्ड और मैं हूं सौम्या और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ और आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में जो बेल बटन है उसे भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पॉपअप मिलता रहे और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है और आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो थैंक यू सो मच आज मैं आपके साथ ये बहुत ही सिंपल और इजी सा मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जिसको आप किसी भी पार्टी शादी या कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली मैंने ये लुक अपनी एनिवर्सरी पर क्रिएट किया था ये बहुत ही सिंपल ग्लोई विंटर मेकअप लुक है तो चलिए शुरू करते हैं कोई भी मेकअप करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने फेस को क्लीन करना तो मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर की हेल्प से अपने फेस को क्लीन किया है जो भी मेकअप था जो कुछ भी था फ़ेस पे सारा कुछ अच्छे से साफ़ किया है और उसके बाद में मैं अपने फेस को थोड़ा सा हाइड्रेट करूँगी तो मैंने यहाँ पर गार्नियर का सीट मास्क यूज़ किया है इसको मैं पंद्रह मिनट के लिए अपने फेस पर लगाऊँगी तो मैंने इसको लगाकर पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दिया है पंद्रह मिनट के बाद में मैंने इसको निकाल लिया है और फ़ेस में जो भी सीरम था उसको अच्छे से अपने फ़ेस पे ही पैड कर लिया है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है और फ़ेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर नाइट क्रीम का यूज़ किया है क्योंकि ये मेकअप मैंने रात को किया था स्किन को मेकअप के लिए प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी आपका लुक डुई और ग्लोई लगेगा तो मैंने यहाँ पे क्रीम को लेके अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड किया हुआ है नेक्स्ट मैं यहाँ पर फेशियल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ इसे अच्छे से अपनी स्किन में अप्लाई करना है ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ये एकदम से डुई और ग्लोई सा लुक देता है तो मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाया हुआ है देन उसके बाद में मैं यहाँ पर प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा अमाउंट लेकर इसे मैंने अपने फ़ेस में अच्छे से स्प्रेड किया हुआ है देन फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर एक इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन क्रीम का यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्रीम इसकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कवरेज भी इसका डिसेंट है ये बहुत ही नेचुरल डुई सा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड किया हुआ है मैंने बेस में अच्छे से इल्यूमिनेटिंग प्रोडक्ट्स ही यूज़ करे हैं नेक्स्ट मैं यहाँ पर कंसीलर स्टिक का यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग कंसीलर है इसे मैंने एज अ आई प्राइमर भी यूज़ किया है इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है ताकि जो भी डार्कनेस है वो अच्छे से हाइड हो जाए आई मेकअप के लिए मैंने पहले यहाँ पे एक सेलो टेप लिया हुआ है और उसको अपने कॉर्नर पे अच्छे से लगाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट करना है देन मैंने अपनी स्किन सेड से एक डार्क शेड चूज़ किया है और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन सेड इसे धीरे धीरे ब्लेंड करना है ताकि ये थोड़ा सा डार्क लगे अब मैंने लिया हुआ है काजल जिसे एज अ बेस मैं अप्लाई करूँगी और इसे किसी भी शेप में ऐसे अपनी आँखों में ड्रॉ कर लें ड्रॉ करने के बाद में मैंने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है ताकि ये बिल्कुल भी पैची ना लगे अपनी क्रीज पर इसे अच्छे से ब्लेंड करना है अब मैं ब्लैक आई शेडो पिक करके अपनी आईलिट पर अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है आपको जितना भी डार्क रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लेके ब्लेंड करें तो मैंने यहाँ पे हल्का सा रखा हुआ है देन मैंने यहाँ पे काजल लिया हुआ है और उसको अपनी वाटर लाइन में अच्छे से ड्रॉ करूँगी तो मैंने दोनों आँखों में इसको ड्रॉ किया हुआ है इसके बाद में मैंने ब्लैक आई शेडो पिक किया है और ब्रश की हेल्प से इसे लोअर लैश लाइन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी देन मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं तो मैंने अपने अपर और लोअर लेशेज दोनों को अच्छे से इनहेंस किया हुआ है आईब्रोज़ में मैंने कुछ भी नहीं किया है बस प्रोडक्ट को ब्रश में लगाया हुआ है और उसको अच्छे से ब्रश कर लिया है अपने दोनों आईब्रोज़ में तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा आई मेकअप कंप्लीट होता है उसके बाद में मैंने अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर एक क्रीमी हाईलाइटर का यूज़ किया है और इसे मैं सारे हाई पॉइंट्स में लगाऊंगी देन ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी मैंने इस मेकअप में कोई भी लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट या फिर पाउडर्ड हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ आई हैव अल्ट्रा ड्राई स्किन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हैं ब्लश भी मेरा एल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक है जिसे मैंने अप्लाई किया हुआ है सो यह अगेन एक ग्लोइनेस देगा मैंने ब्रश की हेल्प से इसे अपनी चीक बोन्स और नोज़ एरिया पे अच्छे से लगाया हुआ है तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है देन मैं अपने लिप्स के लिए यहाँ पर एक लाइनर यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं एक आउटलाइन ड्रॉ करूँगी और उसके बाद में मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है जो कि मेरा लाइट पर्पल कलर में है तो मैंने यहाँ पे अपनी लिपस्टिक को अप्लाई किया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है उसके बाद में मैंने एक डार्क ब्राउन कलर की बड़ी सी बिंदी ली है देन मैंने अपने बालों को अपने हाथ से ही सेट किया था ताकि थोड़ा सा मैसी लगे और मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के ईयर पहने हुए हैं सो दिस इज़ माई फाइनल लुक यू कैन सी ये काफ़ी ग्लोई और डुई मेकअप लुक है अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो आप भी इसे किसी पार्टी में ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आज का ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग